नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कार के दरवाजे, पल्ले और सीट के नीचे छिपाकर रखा गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से फोन पर की बात, जाने किन मुद्दों पर हुई चर्चा। कानपुर मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र हुड़दंग करने पर सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर सवालों के घेरे में आए प्रिंसिपल। अब खबरें विस्तार से। बरेला थाना क्षेत्र में मंडला की ओर से कार में गांजा लेकर जा रहे 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कार के दरवाजे, पल्ले और सीट के नीचे गांजा छुपा कर रखा था। आरोपियों से गांजा जब्त कर पूछताछ की जा रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी सीएसपी और टीआई को मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग और विकास की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने कई ज्वलंत मसलों पर चर्चा की। यही नहीं, दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर रजामंदी जताई। इस वार्ता में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि श्रीलंका का भारत की पड़ोस प्रथम की नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मालूम हो कि कोरोना संकट में भारत ने श्रीलंका की काफी मदद की है। भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 5,00,000 खुराक उपहार के तौर पर श्रीलंका को दे दी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुड़दंग और आधी रात में असभ्य आचरण के आरोप में मेडिकल के 4 छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कड़ा एक्शन लेते हुए छात्रों को कक्षाओं से निलंबित करते हुए हमेशा के लिए हॉस्टल से बाहर भी निकाल दिया है। छात्रों पर आरोप अनुशासनहीन होने का लगा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने प्रिंसिपल प्रोफेसर आरवी कमल को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। अब उल्टा उन पर ही अनुशासनहीन का आरोप लगने लगा है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।